हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सेलेक्टर्स के बारे में। जैसे कि आप जान सकते हैं, देख सकते हैं आप कि पहले ही मैंने सेलेक्टर के बारे में आपको एक वीडियो बनाया है सीएसएस में कि सेलेक्टर्स का यूज हम कैसे करें। ये दूसरी वीडियो है सेलेक्टर की, और इसमें हम ये जानेंगे कि सेलेक्टर्स का यूज करके हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे आप हाईलाइटर लगा करके हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, कुछ उसी तरह का हाईलाइट हम करेंगे सेलेक्टर्स का यूज करके। तो सबसे पहले हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो मेरे पास है ओपन करना है। आप नोटपैड प्लस प्लस का भी फाइल लेनी है और यहां पर हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं डॉक टाइप एचटीएमएल लगाता हूं, यहां लिखा एचटीएमएल, देन हेड, और हेड लिखने के बाद यहां पर स्टाइल टैग लगाना है। ये सीएसएस की पहचान होती है। ठीक है, तो यहां स्टाइल टैग लगाने के बाद यहां पर देखिए मैं डिव लगा रहा हूं और कोई भी एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा रहा और उल्टी दिशा में, ठीक इसके यहाँ पे डिव का टैग जो है मैं क्लोज करने जैसा एक शाइन बना रहा हूं और यहां पर ले लूंगा पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग ले लिया हमने। अब यहां पर पैराग्राफ टैग लिया है तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगाना होगा। तो यहां लिखता हूं बैकग्राउंड कलर, तो यहां बैकग्राउंड और कलर के बीच में एक छोटा सा हाइफन। कलर कौन सा देना है ये तय करना है, तो यहां मैं दे देता हूं ब्लू कलर, ऐसे लिखेंगे हम। यहां पे करेंगे इसको क्लोज, और क्लोज करने के बाद स्टाइल और हेड को भी हम कर देंगे क्लोज। तो यहां पे सबसे पहले स्टाइल को क्लोज करेंगे, तो यहां स्टाइल को क्लोज कर दिया हमने, और अब हम करेंगे हेड पोर्शन को भी क्लोज। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसे क्लोज कर दिया है। और अब हम ले लेंगे यहाँ पे बॉडी टैग। ओके, तो यहां से बॉडी टैग ले लिया हमने, और बॉडी टैग लेने के बाद करना क्या है हमें, हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो हम यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आने के बाद एंटर प्रेस करके जब नीचे आएंगे तो यहां पर डिव टैग का यूज कर लेंगे। ठीक है, एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने डिव टैग के लिए बनाया है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। और यहां पर पैराग्राफ टैग हमने ले लिया, तो पैराग्राफ टैग लेने के बाद यहां पर हम दे देते हैं अपने चैनल का नाम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम पैराग्राफ टैग को कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहां पर क्या करना है आपको, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, तो ये हो गया कॉपी, और फिर इसी को नीचे कर दूंगा पेस्ट। ओके, तो ये दो बार हमने इसको कॉपी और पेस्ट किया, और अब हम यहां पे सिलेक्शन टैग लगाएंगे। तो यहां लिखता हूं सिलेक्शन, ठीक है, और सिलेक्शन टैग लगा करके यहां पैराग्राफ टैग लगाएंगे, और फिर यहां पर वही चीज जो हमने दिया था। तो ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली सिलेक्शन टैग को भी कर देना है क्लोज। तो यहां से सिलेक्शन टैग को करते हैं क्लोज सिलेक्शन। ओके, ये सिलेक्शन टैग एचटीएमएल में काम नहीं करेगा, तो इसको एचटीएमएल में ट्राई करिएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो इसको एचटीएमएल में आप ट्राई मत कीजिएगा। क्या करूंगा, इसी टैग को जो कोड लिखा हमने उसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो यहां से हमने पेस्ट भी कर दिया इसको। ठीक है, तो अब और यहां से डिव टैग को अब क्लोज कर देंगे, डिव टैग का काम हो गया। डिव टैग के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा आप। ये देखिए कुल मिला के कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कुल मिला के 6 बार ये हो चुका है। ये लाइन, एक ही लाइन जो लिखी गई है वो 6 बार लिखी गई है। देखते हैं ये कितने बार प्रिंट होकर आती है जब हम इसको पूरी तरह से प्रोग्राम को बना लेंगे, तो इसको देखेंगे कि ये कितनी बार प्रिंट होकर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ बॉडी टैग को क्लोज किया और फिर यहाँ पे एचटीएमएल को भी कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, और एचटीएमएल को क्लोज करने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट है वो फालतू लग गया है, इसको हटा देंगे। और अब इसको यहाँ से सेव करने की बारी, तो चलिए सेव करते हैं इसको। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि देखने में सुविधा हो। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे गए हम, और डेस्कटॉप पे जाकर के चूंकि हम सीएसएस सीख रहे हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैस्केडिंग डॉट एचटीएमएल। ओके, तो इतना लिख देने के बाद अब इसको सेव करने की बारी, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और ये कास्केडिंग के नाम से सेव हुआ है। अब इसको देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर में हाईलाइट है। ठीक है, ये ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको मैं किसी और कलर में करता हूँ। यस, देखिए ये जो कलर ब्लू है इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, इसका कलर जो है येलो कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ तब कि ये कैसा प्रिंट आएगा। तो ये अभी ऐसा प्रिंट दिख रहा है, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये कुछ इस तरह का प्रिंट हमें देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये किन किन पे ये अप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, शुरुआत के 4 जो कोड्स हैं इन्हीं पे ये अप्लाई हुआ है। तो आइए एक बार कोड देखते हैं
और चेक करते हैं कि इन चारों कोड्स में क्या ऐसा खास है। शुरुआत के चार कोड, तो यहाँ पे डिफ टैग लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो है, यानी कि जो हमने डिफ टैग लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार जहां तक डिफ क्लोज हुआ है, ये चार जो है जो हमारे पैराग्राफ हैं वो उसी के आधार पर काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें येलो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं येलो कलर इस पे दिया गया हुआ है, और ये येलो कलर जो है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कलर देता हूँ, स्काई ब्लू, देखता हूँ इस पे काम करता है या नहीं, ट्रांसपेरेंट ही दिखना चाहिए इसको भी। तो यहां से इसको सेव करते हैं और इसको अब दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर भी काम कर रहा है इस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।